देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर नैनीताल से है। चलिए बात करते हैं पूरे मामले की। एक एम्बुलेंस कब सहारे से मुरादाबाद से नैनीताल 5 लोग बिना अनुमति के ही पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार बारापत्थर ड्यूटी पर तैनात नरेश कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों ने कालाढूंगी से नैनीताल एक एम्बुलेंस आते देखा और एम्बुलेंस को रोक पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से अनुमति पत्र मांगा तो ड्राइवर ने अनुमति पत्र न होने की बात कही। पूछताछ के बाद ड्राइवर ने बताया कि 5 लोगों को लेकर नैनीताल आ रहा था। एम्बुलेंस होने के कारण उन्हें रास्ते में कोई रोक नहीं पाया। एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ 2 पुरुष 2 महिलाएं व एक बच्ची थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 269, 270 आपदा प्रबंध एक्ट 51B के तहत मुकदमा दर्ज कर एम्बुलेंस को सीज कर लिया है। आप देख रहे हैं नैनीताल से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।